सलाम वालेकुम सबको, प्यार भरा छोटे बड़ों को प्यार भरा सलाम अम्मी का। बोलो जवाब। अम्मी को देख के हंसी आ जाती है क्यों? टहलती रही ना। अच्छा देख, हमें देख के हंसी आती है, हम समझे कि पापा कह रहे तुम्हारी बातों में हंसी आती है। तुमसे कह रहे हैं कि पापा अम्मी टहलती नहीं है। अब हम टहलते हैं रोज सुबह शाम को भी जाते हैं। टहलती नहीं, इस वजह से हंसी आती है। देख के हम मतलब मोटे हो रहे हैं तो पापा को हंसी आ जाती है। अब तो दुबले हो रहे हैं ना, चेहरा देखो। आज पापा ने किया अम्मी को ट्रोल हंसी मजाक में। और क्यों किया ट्रोल, आखिर क्या हुआ अम्मी और पापा के दरमियान, क्या सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या आ रहा है इब्राहिम फैमिली के बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है जिसको देखकर या सुनकर हम भी बहुत ज़्यादा हैरान है। तो जनाब बात यह है कि जहां पर प्यार होता है वहीं पर ये छोटी मोटी नोक चोक होती है, क्योंकि जहां पर प्यार ना हो ना तो ये छोटी नोक टोक भी जो है वो फसाद की शक्ल ले लेती है। लेकिन अम्मी और पापा का प्यार ही था जिसने अपनी औलाद को जोड़े रखा, अपने घर को जोड़े रखा, और इनके रिश्तों में इतना प्यार है। चाहे वहाँ पर सबा की बात हो, रिजा की बात हो, सनी की बात हो, अम्मी और पापा ने अपने हर रिश्ते को प्यार से ही जो है ना वो डील किया है। क्योंकि आप चाहे औलाद को देखें या अपने रिश्ते को, मियाँ बीवी के रिश्ते को देखें, रिश्ता कोई भी हो अगर उसमें प्यार है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप सब जानते हैं, जो शुएब और दीपिका या सबा के सब्सक्राइबर हैं वो जानते होंगे कि पापा बहुत ही मासूम, एक बहुत ही अच्छे इंसान, क्या वो लड़ाई कर सकते हैं।